दिस कंपनी इज इन नीड ऑफ 20 लाख रुपीज एंड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. इश्यू प्राइस ऑफ न्यू शेयर इज ₹200. नए शेयर की फेस वैल्यू ₹200 है और कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है. नो इश्यूइंग चार्जेस, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया है. तो थोड़ा सिंपल केस हो गया. इसे तो कुछ है नहीं, फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है तो आपको फेस वैल्यू में से माइनस कर देना है. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर 2 लाख, 2 लाख इक्विटी शेयर्स है. अब इस मॉडल में हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें अर्निंग पर शेयर फाइंड करना है. मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर इज 300. इसी कंपनी का यही शेयर मार्केट में ₹300 में सेल हो रहा है. नया शेयर कंपनी ने ₹200 में इश्यू किया, एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ₹300 है. और यहां पे देखो, आपको डिविडेंड नहीं दिया है पर कंपनी का नेट अर्निंग दिया है कि इस कंपनी का नेट अर्निंग आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ दिस ऑल एक्सपेंसेस एंड डिबेंचर इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग इज 100 लाख रुपीज. तो देखो, लास्ट में जो भी पैसा बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है. तो ये 100 लाख रुपीज है इक्विटी शेयर होल्डर का है. हमारे पास 2 लाख इक्विटी शेयर होल्डर है तो पूरा का पूरा उनको ही मिलना चाहिए. तो सबसे पहले तो हम अर्निंग पर शेयर फाइंड करेंगे. तो देखो, यहाँ पे डिविडेंड की जगह पे अर्निंग प्राइस पर शेयर दिया है. नेट अर्निंग कंपनी का 100 लाख है, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो. 2 लाख शेयर होल्डर है, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो 100 लाख रुपीज 2 लाख शेयर होल्डर के बीच में अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ईच शेयर होल्डर का ₹50 अर्निंग हो रहा है. पर मैंने जैसे आपको बताया, कंपनी जो होती है अर्निंग में से कुछ अमाउंट अपने पास रिटेन करती है और बाकी की अमाउंट डिविडेंड में देती है. नो प्रॉब्लम, हियर वी आर ऑन द अर्निंग प्राइस अप्रोच, सो वी विल थिंक अबाउट अर्निंग ओनली. कितना डिविडेंड दिया, दैट इज इमटेरियल. तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर ₹50 आया, वो पहला स्टेप है. अब अगर मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, अर्निंग पर शेयर उसको मार्केट प्राइस से डिवाइड कर रहा हूं. अच्छा, ये एग्जिस्टिंग की बात चल रही है. एग्जिस्टिंग के केस में हम मार्केट प्राइस लेते हैं तो अर्निंग पर शेयर 50, मार्केट प्राइस उसका ₹300 चल रहा है. इंटू 100 परसेंटेज निकालना है इसलिए तो आपका आंसर आएगा 16.67%. ये हुआ कॉस्ट ऑफ इक्विटी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का. न्यू इश्यू की बात करें तो देखो, न्यू शेयर कंपनी ने ₹200 में इश्यू किया है, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है. तो न्यू इश्यू के केस में क्या होगा, अर्निंग पर शेयर को आप नेट प्रोसीड से डिवाइड करोगे तो अर्निंग पर शेयर ₹50 आ रहा है, नेट प्रोसीड ₹200 है. यहां पे हम 200 इसलिए ले गए क्योंकि नया शेयर कंपनी 200 में सेल कर रही है. एग्जिस्टिंग में क्या होगा, एग्जिस्टिंग मतलब जो शेयर ऑलरेडी इश्यू हो चुके हैं, जो मार्केट में सेल होते हैं और मार्केट में उसकी प्राइस 300 बोल रही है. न्यू के केस में ₹200. अच्छा, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया है, अदरवाइज 200 में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करते हैं तो आपको यहाँ पे 25% मिलेगा. तो आप इस क्वेश्चन से ये समझ सकते हो कि अर्निंग के ऊपर से भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल सकता है, एग्जिस्टिंग के लिए और न्यू के लिए. जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी को ₹50 अर्निंग हुआ है पर शेयर. इसमें से अब कंपनी डिसाइड करेगी कितना डिविडेंड देना है. मान लो इसमें से ₹30 डिविडेंड दिया और ₹20 कंपनी ने अपने पास रखा, तो ₹30 डिविडेंड होगा और ₹20 रिटेन अर्निंग होगा. इसके आगे वाला जो अप्रोच था, उसके आगे वाले अप्रोच में हम 30 के ऊपर कैलकुलेशन करते थे डिविडेंड के ऊपर. यहाँ पे टोटल अमाउंट, टोटल अर्निंग पे कैलकुलेशन कर रहे हैं. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू. तो चलो, अब यहाँ पे हमने एक बात समझ ली है कि ₹50 जो है वो टोटल अर्निंग है. रियलिटी में क्या होता है, कंपनी इसमें से कुछ अमाउंट रिटेन करती है. मान लो ₹30 डिविडेंड लिया और ₹20 रिटेन किया, तो ₹20 रिटेन किया उसकी भी कॉस्ट आप फाइंड कर सकते हो. तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग. अब यहाँ पे कुछ लोगों का बोलना है कि सर, ये तो कंपनी के पास ही अमाउंट है, मार्केट से कलेक्ट नहीं किया है,
इसके ऊपर तो कंपनी को कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, तो इसकी कॉस्ट क्यों लगेगी? तो इसकी कॉस्ट इसलिए लगेगी क्योंकि ये पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का है, इक्विटी शेयर होल्डर को 50 रुपीज देना चाहिए हमें, जिसकी जगह पर हमने 30 दिया और 20 हमारे पास रखा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स विल एक्सपेक्ट सम रिटर्न फॉर दिस, कि अवर मनी यू हैव केप्ट विथ यू, सो वी वॉन्ट सम रिटर्न। सो सम ऑथर बिलीव दैट कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, सो देर इज नो नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, हेंस कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जितना कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा वही कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आएगा। हाउएवर देर आर सम ऑथर्स हु ऑल्सो सजेस्ट दैट कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज टू बी डिटरमाइंड सेपरेटली। सो यहां पे दो अप्रोच है। नंबर वन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एज द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, तो वहां पे जो के ई फाइंड करोगे वही के आर होगा, आर मतलब रिटेन अर्निंग। ये फर्स्ट अप्रोच है, जो जो ऑथर ऐसा मानते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आर सेम, तो वो के आर अलग से फाइंड नहीं करेंगे, के ई का जो आंसर आए वही के आर ले लेंगे। सेकंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल यील्ड सजेस्टेड बाय एज्रा सोलोमन, जिसकी डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो चलो हम इसके ऊपर थोड़ा एक्सरसाइज देख लेते हैं। एबीसी कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स, डिविडेंड आपको दिया हुआ है 4.19, मतलब ये आपका प्रेजेंट डिविडेंड मान सकते हो, करंट डिविडेंड। पी जीरो जो है 50 रुपीज दिया हुआ है मार्केट प्राइस, और ग्रोथ है 5%। इस डिविडेंड में 5% से ग्रोथ होने वाला है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, तो देखो जिनका ऐसा मानना है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग सेम है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई किया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला ही आप देख सकते हो, D1/P0+G, यही फॉर्मूला हमने आगे देखा था। अच्छा, D1 कैसे निकलेगा? तो D1 के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड है D0, उसमें कितना ग्रोथ होने वाला है वो लेना है, तो 1+G हो गया, D0 × 1+G, तब जाके आपको D1 मिलेगा। इन शॉर्ट, अगर लास्ट ईयर 10 रुपया मिला है तो वो D0 है, अब उसमें 10% इंक्रीमेंट होने वाला है, तो 1+0.10, तो ये आपका D1 हो जाएगा पूरा। तो D1 की ये फॉर्मूला है D0 × 1+G/P0+G, वही फॉर्मूला है जो हमने आगे ग्रोथ मॉडल में देखी हुई है। तो D0 4.19, 1+5% का ग्रोथ है, तो 1 का 5% होगा 0.05, होल डिवाइडेड बाय द मार्केट प्राइस 50। व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट अल्टीमेटली 0.88 प्लस 0.05, सो 13.18% विल बी द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या तो आप उसको कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी बोल सकते हो। आपको याद रखना है कि जी आपको दो जगह पर लेना है, ये सिंपल वाली फॉर्मूला है, उसको और सिंप्लीफाई किया है यहां पे, लास्ट में जी तो लगेगा ही। D1 कैसे निकलेगा, तो D1 निकालने के लिए, मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर कितना निकलेगा, तो करंट डिविडेंड उसमें ग्रोथ ऐड कर दो, D0 × 1+G, तो आपको नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय P0+G। सो दिस वाज अबाउट कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। अच्छा, फर्दर इन केस ऑफ रिटेन अर्निंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड एंड द शेयर होल्डर वांट टू री इन्वेस्ट अमाउंट सो रिसीव्ड आफ्टर टैक्स हैज टू पे एडिशनल चार्जेस, एग्जाम्पल ब्रोकरेज कमीशन एटसेट्रा, टू परचेज सिक्योरिटीज इन न्यू कंपनी। दस रिटेन्ड अर्निंग ऑल्सो हैव एडवांटेज दैट पेमेंट ऑफ टैक्स और एडिशनल ब्रोकरेज इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड टू मेक एडजस्टमेंट ऑफ दिस एडवांटेज
एग्जिस्टिंग इक्वेशन ऑफ के आर कैन बी अपडेटेड एज फॉलो। अभी क्या बता रहे हैं वो समझो, रिटेन अर्निंग क्या है, कंपनी को जो अर्निंग हुआ उसमें से कुछ अर्निंग कंपनी ने अपने पास रखा, बाकी का अमाउंट डिविडेंड में दे दिया। तो देखो, कंपनी अगर रिटेन अर्निंग का अमाउंट यूज करती है तो ना तो इसको नए इक्विटी शेयर इश्यू करने पड़ेंगे, ना तो कोई ब्रोकरेज देना पड़ेगा तो एक बेनिफिट होगा, ना तो कोई अंडर राइटर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो यहां पे हमें बेनिफिट क्या हो रहा है, हमें बेनिफिट हो रहा है कि ना तो हमें कोई टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि रिटेन अर्निंग क्या है, अर्निंग में से कुछ अमाउंट कंपनी ने अपने पास रखा। लास्ट 10-15 साल से मान लो कंपनी रिटेन अर्निंग कर रही है तो कंपनी के पास एक बहुत अमाउंट, बड़ी अमाउंट कलेक्ट हो चुकी होगी जिसके ऊपर कोई टैक्स देना नहीं होता है। तो रिटेन अर्निंग से दो बेनिफिट हो रहे हैं, एक तो टैक्स में बेनिफिट हो रहा है, दूसरा यहाँ पे किसी को ब्रोकरेज नहीं देना है, हमारा ही पैसा है, हमारे पास ही है, ना कोई न्यू इश्यू है, तो यहाँ पे हमको वो फ्लोटेशन कॉस्ट वाला एक्सपेंस भी नहीं लग रहा है। तो ये दो बेनिफिट को अगर कंसीडर किया जाए तो रिटेन अर्निंग का कॉस्ट जो है उससे भी कम आएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और रिटेन अर्निंग दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? सम ऑथर बिलीव दैट कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोथ आर सेम, बट इन रियालिटी वेन वी थिंक अबाउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी वी कंसिडर द ब्रोकरेज इन न्यू इश्यू, बट इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग ब्रोकरेज विल नॉट कम, फ्लोटेशन कॉस्ट विल नॉट कम, तो एक बेनिफिट ही होगा। तो यहां पे आप देख सकते हो फॉर्मूला में के आर इज इक्वल टू के वन माइनस टैक्स इंटू वन माइनस बी, बी यहां पे ब्रोकरेज लिया हुआ है, टी जो है टैक्स रेट है। के ई कैसे फाइंड करते हैं, अभी जो फॉर्मूला देखा वही है, डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड प्लस जी, न्यू इश्यू का केस है, इंटू वन माइनस टी इंटू वन माइनस बी। तो ये पूरा फॉर्मूला आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का हो गया। तो यहां पे एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। इफ फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी कैपिटल इज 12%, जो रेडीमेड काउंट करके दे दिया है, 12% कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है, के ई 12% है, टैक्स रेट ऑफ मेजोरिटी शेयर होल्डर इज 30%, शेयर होल्डर का टैक्स रेट है। देखो, जब आप डिविडेंड रिसीव करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है, डिविडेंड एक आपका इनकम है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। पर इस रिटेन अर्निंग में तो क्या होगा, आपको ये पैसा मिला ही नहीं है, कंपनी के पास है, कंपनी ने अपने पास रिटेन किया है, तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास ये पैसा गया ही नहीं है ऐसे डिविडेंड, तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड भी नहीं देना पड़ेगा। इनकम ही नहीं हुआ है तो डिविडेंड क्यों, टैक्स क्यों देंगे? तो शेयर होल्डर को एक बेनिफिट हो रहा है कि रिटेन अर्निंग का पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को मिला ही नहीं है, तो उनको उनकी जो डिविडेंड की इनकम होने वाली थी उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो वो एक बेनिफिट है। दूसरा, कंपनी को क्या बेनिफिट है, कंपनी यहां कोई नया इश्यू नहीं ला रही है, एग्जिस्टिंग जो रिटेन अर्निंग है वही यूज करेगी अपने प्रोजेक्ट में, तो वो अमाउंट के ऊपर कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा, तो ये बेनिफिट हो गया। तो दो बेनिफिट यहां हो गए, शेयर होल्डरों को टैक्स नहीं देना है तो वो 30% के हिसाब से लिया है, ब्रोकरेज 3% वाला है, मार्केट में चल रहा है ऐसा है, मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि 3% ब्रोकरेज देना पड़ेगा, पर अब हमें नहीं देना पड़ेगा क्योंकि रिटेन अर्निंग है, यहाँ कोई नया इश्यू नहीं आ रहा है,